अभी गर्मी की शुरुआत ही है, लेकिन अभी से धनबाद के मंगलपाड़ा में पीने का पानी पाताल चला गया है। कुएं और हैंड पंप सूख गए हैं, नल जल से पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी का कोई अन्य साधन नहीं है। ऐसे में ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। देखिए, हर घर में नल जल के अंतर्गत नल लगे हुए हैं, लेकिन नलों में पानी नहीं आता। अब जरा इन चापा नलों का हाल देख लीजिए, किसी भी चापा नल से पानी नहीं आता। कुछ कुएं भी है और कुएं का पानी अभी से पाताल चला गया है। जो पानी आता है वो इतना गंदा होता है कि पीने के लायक नहीं रहता। ऐसे में बरवाडा मंगलपाड़ा के ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर के कुएं से पानी लाने को बाध्य है। तो फिर आप लोग कैसे पानी पीते हैं? दूर से लाते हैं, पीने के लिए लाना पड़ता है ना। ये कब से पानी नहीं दे रहा है हैंडपंप? साल भर से नहीं दे रहा है। अच्छा, तो पानी का भी परेशानी है? नहीं, बहुत परेशानी पानी का। हाँ, बहुत परेशानी। कहाँ कहाँ से पानी आप लोग लाते हैं? उधर है एक ठो कुआ काली मंदिर में, वहाँ से लाते हैं। अभी तो बहुत परेशानी हो रहा है। अभी नियम एक 15-20 दिन बाद कुआ पूरा सूख जाएगा। ये तो बहुत गंदा पानी, कैसे आप लोग पीते हैं? क्या करेंगे, तो अभी तो बहुत दिकदारी है। अब यहाँ पर उतना सुविधा है नहीं। आज देखे पाइपलाइन भी आया, अभी तो कोई चालू भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। गांव के सारे जलाशयों का हाल बेहाल है, सब सूखने के कगार पर खड़े हैं। जिन कुओं में थोड़ा बहुत पानी है वो पूरी तरह से गंदा है और पीने के लायक नहीं है। गांव की महिलाएं किसी तरह से पानी का जुगाड़ करती है। हालांकि इस मामले में पूर्व विधायक सदन में भी बात उठा चुके हैं। परेशानी है सर, पानी नहीं है, कुआं भी सूख गया है। हम लोग दूसरा के घर से पानी ढो के लाते हैं, उसके बाद वही वाला पीते हैं। अब हम लोग का कुआं का जो पानी है वो साफ नहीं है, गंदा है, इससे हम लोग पी के बीमारी हो रहा है पूरा। सबका तबीयत खराब हो रहा है। अच्छा, तो गाँव में इतना कितने कुआं है जो कुआं भी सूख गए हैं? सर वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। हमने गाँव में चापा कर लगा है, लेकिन वहाँ पानी मिला ही नहीं और कई किलोमीटर से पानी नहीं लाता है, बल्कि क्वार्टर किलोमीटर भी नहीं होता है। गांव के आगे जहाँ गांव खत्म होता है उसके आगे पंप है, उस पंप से पानी लाता है, हैंडपंप से तो बराबर पानी नहीं। देखिए, मैंने विधानसभा में कहा सदन में, कोयलांचल में पानी की कमी सालों से है। ग्रामीण इलाकों में पहले पानी की कमी नहीं थी, लेकिन अब हर तरफ पानी की कमी होने लगी है, जो एक गंभीर विषय है। धनबाद से अशोक कुमार सिंह की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।